इंदौर क्राइम ब्रांच व MIG पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से एल्प्राजोलम की दवाइयां सप्लाई करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं पकड़े गए 4 आरोपियों से 1185 से अधिक एल्प्राजोलम दवाइयां जब्त की गई है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच व MIG पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि MIG थाना क्षेत्र में कुछ लोग अवैध रूप से नशे की एल्प्राजोलम की टैबलेट बेचने की फिराक में घूम रहे हैं, जिस पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने MIG पुलिस के साथ मिलकर घेराबंदी कर 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं पकड़े गए आरोपियों की तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से अवैध एल्प्राजोलम की 1185 टैबलेट मिली। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना नाम सरजील अंसारी, शहनवाज अली, इमरान शफीक व शाहरुख खान होना बताया। सभी आरोपी इंदौर के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड कई थानों में दर्ज है। इसमें इंदौर पुलिस की मादक पदार्थों की अवैध खरीद और विक्री पर हमेशा से कार्रवाई चल रही है और इस संबंध में कल एक सूचना मिली थी क्राइम ब्रांच को कि MIG क्षेत्र में कुछ लोग एल्प्राजोलम जो प्रतिबंधित दवा है इसको खरीदने बेचने के लिए जो है एकत्रित हुए हैं। इस संबंध में क्राइम ब्रांच की टीम और MIG थाने की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई और 4 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। इनके पास से 1185 टैबलेट ये जब्त की गई हैं। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है, पुराना आपराधिक रिकॉर्ड देखा जा रहा है, पुराने इनके जो है अपराध में संलिप्तता के संबंध में तस्दीक की जा रही है और आगे ये कहां से ला रहे थे और क्या इसकी डाउन चेन है इस संबंध में विवेचना की जा रही है। इसमें नाम है, एक सरजील है, एक शहनवाज है, एक इमरान है और एक शाहरुख है। पुलिस अब 4 आरोपियों से अवैध एल्प्राजोलम टैबलेट के बारे में पूछताछ कर रही है कि यह अवैध टैबलेट कहां से और किसे देने आए थे।